आप अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और अपनी सांस को रोक लें। अब घड़ी की ओर देखिए और पता करें कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोके रख पाए। इस गतिविधि से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बिना सांस लिए हम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड होल्ड योर ब्रीथ नाउ। यूजिंग वॉच फाइंड आउट दैट फॉर हाउ मच टाइम यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी नो दैट विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट लिव फॉर लॉन्गर टाइम। बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हर मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ मैनी ब्रीथ्स इन 1 मिनट? अपनी नाक के नीचे अंगुली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगाना चाहेंगे? सबसे पहले आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं। यही क्रिया आप दौड़ने के बाद भी कर सकते हैं। आप देखेंगे दौड़ने के बाद आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम दौड़ते या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम तेजी से श्वसन करने लगते हैं। पुट योर फिंगर अंडर योर नोज। कैन यू फील एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम नोज? काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड आउट। आफ्टर रनिंग एंड एक्सरसाइज अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड आउट। एज यू हैव नोटिस द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज आफ्टर एक्सरसाइज एंड रनिंग। इट मीन्स आफ्टर एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। एन एडल्ट ब्रीद्स इन एंड आउट 15 to 18 times इन 1 मिनट एट रेस्ट पोजिशन। तेज तेज सांस लेने से हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारे भोजन के विखंडन की दर भी बढ़ती है और हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फास्ट ब्रीथ मीन्स मोर ऑक्सीजन टू आर बॉडी है। आइए इसकी गतिविधि हम अपने दोस्तों के साथ करें। सबसे पहले एक सारणी यानी टेबल बना लें, जिसमें आप अपने दोस्त का नाम लिख लें। उसके बाद गहरी सांस लें और किसी मापन फीते से अपने चेस्ट का नाप लें, साइज माप लें और उसे टेबल में लिख लें कि सांस लेते समय चेस्ट का साइज कितना था। इसके बाद सांस छोड़ते समय अपनी चेस्ट का दोबारा माप लें और उसे भी टेबल में लिख लें। ध्यान दें, साइज आप एक ही मात्रक में लें, जैसे सेंटीमीटर में। अब आप दोनों अमाप यानी साइज में अंतर निकालें। अंतर निकालने से आपको पता चलेगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट कितनी बढ़ती है, कितनी ज़्यादा फैलती है।